ना शाइस्ता का पता है, ना गुड्डू मुस्लिम का, ना साबिर का, ना अरमान का। उमेश पाल मर्डर के ये मोस्ट वांटेड फरार हैं। आज 62 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही इशारा दे दिया है कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। हर दिन हर रोज एक्शन हो रहा है। प्रयागराज में हाईकोर्ट के आदेश पर एक और भूमाफिया के अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर चल गया। लखनऊ में असद का एक दोस्त पकड़ा गया है, जिसे मर्डर और मर्डर के बाद बचने के प्लान का भी खुलासा हुआ है। प्रयागराज में अतीक की ससुराल से एक डायरी मिली है, जिसमें अतीक के गुनाहों की दुनिया के कई राज लिखे हुए हैं। इन सब की सुई शाइस्ता की तरफ जा रही है। इस हत्याकांड में हवाला कांड के भी कुछ सबूत सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, उससे एक बात तो एकदम क्लियर है, थोड़ी देर भले ही होगी, लेकिन ना शाइस्ता बचेगी, ना उसके शूटर। पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। जब योगी ये कहते हैं तो वो ऐसी ही तस्वीरों का जिक्र करते हैं। जब सियासी सरपरस्ती में माफिया और अपराधी फलते फूलते थे, माफियाओं के साथ खड़े होने पर नेता भी गर्व महसूस करते थे। सरकार की एक ही युक्ति और वह है अपराधियों और गंदगी से हो हमारे प्रदेश की मुक्ति। पहले और अब में फर्क यह है, इसीलिए योगी की जुबा पर जिक्र ये है। पहले गरीबों को उजाड़ा जाता था, कोई भी गुंडा आकर किसी गरीब की झोपड़ी पर, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। आज गुंडे माफियाओं की क्या स्थिति है, व्यक्ति जान रहा है। आज वह गले में तख्ती लटका करके घूम रहा है। योगी ने जो नैरेटिव सेट किया है, उसी का नतीजा है कि माफिया पस्त है, अपराधी त्रस्त हैं, पब्लिक मस्त है, पॉपुलैरिटी में योगी फर्स्ट है। इसी बात से समझ लीजिए, जहां जहां चुनाव है वहां वहां योगी ऑन डिमांड है, क्योंकि योगी को अपने लॉ एंड ऑर्डर पर कमांड है। अतीक की लंका तहस नहस हो गई। जेल में मुख्तार का बीपी ऊपर नीचे रहता है। क्रिमिनल अब यूपी में क्राइम करने से डरता है। गुंडे और माफियागिरी का इलाज कैसे होता है, योगी ने अतीक पर एक्शन करके दिखा दिया है, और ये एक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक अतीक के आतंक का सबूत मिलता रहेगा। एक सबूत और मिला है, जहां बाबा का बुलडोजर चला है। प्रयागराज का उमारपुर नीवा गांव है ये। यहां भी अतीक की कब्जाई जमीन है, जिस पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग है। बाबा का बुलडोजर हाई कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। उमारपुर नीवा गांव के अतीक के गुर्गे रिजवान ने रिहायशी प्लाट नंबर 410 रकबा 290 वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि जमीन के मालिक जकी की यह जमीन उसके प्लॉटिंग के प्लानिंग में आड़े आ रही थी, जिसे रिजवान ने कब्जा कर जबरन पक्की सड़क और लोहे के गेट बनाकर कब्जा कर लिया और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चल गया। उमरपुर नीवा गांव है, जहां पर इस पूरे जमीन को, इस पूरे कब्जे को कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराना है। पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा SDM और दूसरे जो अधिकारी है, जिनको ये आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि आप इसको खाली कराएं और किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। एक तरफ का जो गेट है वो यहाँ तोड़ दिया गया है। कहा यही जा सकता है कि क्योंकि एक्शन जो ख़त्म होगा वो इस गेट को तोड़ने के बाद ही ख़त्म होगा, तो एक तरफ का गेट तोड़ दिया गया है दूसरे बुलडोजर ने। वहीं दूसरे तरफ का जो गेट है उसको तोड़ने की भी तैयारी यहां पर चल रही है। तो लगातार जो एक्शन है वो यहां पर दिख रहा है, और एक दोनों जो दरवाजे हैं उसको तोड़ने की, क्योंकि यहां पर पहले से ही प्रशासन ने कहा था कि इस
गेट को तोड़ा जाएगा और उसी के बाद ये कार्रवाई खत्म होगी। तो दो बुलडोजर एक अंदर की जो सड़क है उसको तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो गेट है मेन गेट जो इस प्लॉट में या इस सड़क का जो सड़क बताई गई थी पहले उसको अंदर जाने का जो रास्ता था उसमें उसको अब तोड़ा जा रहा है। सड़क को भी तोड़ दिया गया हाईकोर्ट के आदेश पर और अब इस गेट को भी तोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जो कार्रवाई है वो पूरी होती अब दिखाई दे रही है। जो लोग अतीक को मजहब के चश्मे से देखते हैं, अतीक के साथ सिंपथी रखते हैं, वो लोग ध्यान से सुने, अतीक के लिए मजहब और सियासत सिर्फ पुलिस और कानून से बचने के लिए थी। सच्चाई तो यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अतीक ने ठगा नहीं। सुनिए, जिस जकी की जमीन थी वो मुसलमान था, जिससे वो रंगदारी वसूलता था वो भी मुसलमान था। हकीकत तो यह है कि अतीक और उसके गुर्गों के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। हम लोग भी यहाँ से हुआ, हम लोगों को पहले पता नहीं था। हाँ, हम लोग भी चलेंगे सुप्रीम कोर्ट चलेंगे भाई, हमारी भी सुनवाई हो। धोखा रिजवान ने किया ना एक तरीके से, आप लोगों को बताया? हाँ, रिजवान ने भी किया या वो किया, क्या नाम है, नहीं वो क्या है उसका, जक्की, जक्की जब वो मिल के दोनों गेट लगवाए तब जक्की ने लिया, क्या लिया नहीं लिया वो हमें नहीं पता है। जब वो लगवाया साथ में तो लिया ही होगा, हम तो यही बोल सकते ना लिया है। लेके फिर तब अभी उसका जब मकान बन गया तभी भी वो बोला था कि नहीं हमको पैसा चाहिए, तभी भी हम लोग नई मकान बनवाते, जमीन पड़ी रहती। जब मकान बन गए, यहाँ बीवी बच्चे हम लोग सभी लोग रहने लग गए, 20 लोग 10 लोग इसके अंदर है, तो फिर किधर से जाएंगे। पूरी कहानी के दो किरदार है, पहला जकी और दूसरा रिजवान अहमद। जकी अपनी जमीन के लिए हाईकोर्ट गए थे जहाँ पर आरोप था रिजवान अहमद पर कि उसने जमीन को कब्जाई, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ना सिर्फ जमीन खाली कराई जाए बल्कि सड़क और गेट को भी तोड़ दिया जाए, इसीलिए आज बुलडोजर चल गया। रिजवान अहमद के बारे में कहा जाता है कि जब तक अतीक अहमद जेल नहीं गया था तो ठीक ठाक अतीक अहमद से रिजवान की मुलाकात होती थी, लेकिन बाद में जब पुलिस का शिकंजा अतीक अहमद पर ज्यादा बढ़ा तो दूसरे लोगों की तरह रिजवान ने भी अतीक से दूरियां बढ़ा ली। हालांकि पिछले 3-4 दशक को अगर देखें तो प्रयागराज में नजर आता है कि कोई भी जमीन का बड़ा मामला रहा हो बिना अतीक अहमद की रजामंदी के वो डील पूरी नहीं होती थी। इसीलिए ये माना जाता रहा है कि रिजवान हो या दूसरे जो भी लोग इस तरह की प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन पर कब्जे करने के आरोप जिन पर लगते रहे हैं उन तमाम लोगों पर भी कहीं ना कहीं अतीक की मेहरबानी रहती थी। लेकिन अब अतीक का आतंक खत्म हो गया है क्योंकि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है। नतीजा ये है कि जो अतीक से डरते थे अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं, जो उसके साथ काम करते थे वो अब माफी मांग रहे हैं। इसका नाम है अतीन जफर। ये फोटो एटीएम के सीसीटीवी में कैद हुई है और यहीं से अतीन के अतीक गैंग में काम करने के सबूत मिले हैं, जिसे बाबा की पुलिस ने दबोच लिया है। जब ये पकड़ा गया है तो खुद को बेकसूर बता रहा है। पुलिस ने इसे उठाया क्यों वो सुन लेते हैं। पुलिस को असद और अतीन के बीच बातचीत के सबूत मिले हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद असद ने अतीन को फोन किया था। असद ने अतीन से फोन और एटीएम छिपाने को कहा था। असद ने किसी अनजान नंबर से अतीन को फोन किया था। असद ने कहा था वो प्रयागराज जा रहा है, जल्द लौटेगा। लेकिन अतीन ने जैसे ही असद के एटीएम से पैसे निकाले वो पुलिस की रडार पर आ गया। पुलिस पूछताछ में असद के बेहद करीबी दोस्त आतिन जाफर ने बड़ा खुलासा किया है। आतिन ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उमेश पाल की हत्याकांड वाले रोज असद ने उसको शाम को कॉल किया था और उससे अपना मोबाइल फोन छुपाने की बात कहके हुए ये भी कहा था कि मेरा एटीएम कार्ड कहीं नष्ट कर दो। अतीन कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को अतीन और असद के रिश्ते की पूरी टाइमलाइन पता है। उमेश पाल मर्डर की असद ने जो कहानी रची थी उसमें मर्डर था और मर्डर से बचने का प्लान भी था। असद ने चेहरा ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। पुलिस को यह मंकी कैप मिल गई है। इसके अलावा असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड भी मिल गया है, जिसे उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ के अतीन जफर को दिया गया था। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत फिक्स था। ये तय हुआ था जब असद उमेश पाल की हत्या कर रहा होगा उस वक्त अतीन जफर लखनऊ के किसी एटीएम मशीन से असद के कार्ड से पैसा निकालकर पुलिस को गुमराह करेगा।
असद ने उससे पहले यह भी कहा था कि जिस दौरान प्रयागराज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा उस दौरान आतिन जाफर लखनऊ में असद के फोन का इस्तेमाल करेगा और असद के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगा ताकि असद की लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में प्रयागराज में ना आकर के लखनऊ आए। ऐसे में पुलिस जब इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी तो कानूनन आतिन जाफर की गवाही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि इस गवाही के बेसिस पे पुलिस असद को निश्चित तौर पर न सिर्फ गुनहगार साबित करेगी बल्कि असद किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सबूतों को प्लांट कर रहा था ये लाइन भी पुलिस को मिलेगी और ये लाइन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अतीन खुद को बेकसूर भले बताए जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस के सामने पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई है। उमेश पाल मर्डर के बाद अतीन तेलंगाना भाग गया था जहां उसके एक टेलर चाचा ने अतीन को हैदराबाद में अपने एक साले के यहां रुकवाया। लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस ने अतीन को पकड़ लिया। मतलब साफ है नंबर सबका आएगा। अपराधी पहुंच से भले दूर है लेकिन बचेंगे नहीं क्योंकि हर दिन अतीक के आतंक के साम्राज्य के नए नए राज सामने आ रहे हैं जिसमें अब पुलिस को अतीक अहमद के ससुराल से एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसके मुताबिक अतीक अहमद का काला कारोबार 5 राज्यों तक फैला था। इस डायरी में प्रयागराज और उसके आसपास के करीब 1000 बीघा जमीन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया गया है। इस प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में अतीक ने किसके साथ कितना लेन देन किया इसका पूरा चिट्ठा इस डायरी में मौजूद है। पुलिस को शक है कि फरार शाइस्ता अतीक के इसी कारोबार को संभालने में जुटी है। इस डायरी में अतीक के रियल एस्टेट कारोबार का पूरा जिक्र है। अतीक प्रयागराज के पास अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2 बसाना चाहता था। इसके लिए उसने किससे किससे लेन देन किया उसकी जानकारी है। साथ ही इसमें बक्सी दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बक्सी में असाद सिटी, रावतपुर में साई बिहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर करहेदा में सैदपुर आवास योजना और लखनपुर में लखनपुर आवास योजना का भी पूरा जिक्र है। अतीक के ससुराल से मिली इस डायरी में 5 राज्यों में उसकी बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा है। अतीक के कई करीबियों और मददगारों का नाम है। अतीक के कितने रियल एस्टेट और होटल कारोबारियों से नजदीकी थी इसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। साथ ही अतीक ने किन किन शेल कंपनियों में कितना पैसा लगाया उसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस डायरी में पुलिस को एक और अहम सुराग मिला है जिसमें अतीक के सभी करीबियों के फोन नंबर मिल गए हैं। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एजेंसीज ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर रखी है। इस दौरान पुलिस की टीम जब अतीक के ससुराल और शाइस्ता के मायके पहुंची तो वहां उसको एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। पुलिस के पास एक डायरी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अतीक अहमद ने किससे कितने पैसे लिए, किससे कितनी देनदारी है, किससे कितनी लेनदारी है और किसका पैसा रियल एस्टेट में आकर के लगाया गया है ताकि हवाला कारोबार से आया हुआ ब्लैक पैसा यहां पर वाइट किया जा सके। इसके अलावा अतीक के तमाम राजदार, उसके मददगार और कौन कौन से लोग अतीक की मदद कर रहे हैं इन सब बातों का भी जिक्र उस पुरानी डायरी में मौजूद है। ऐसे में इस डायरी के जरिए पुलिस अतीक के उन लोगों तक पहुँच सकती है जो हमेशा उसकी मदद करते आए हैं और उसके काले साम्राज्य के राजदार भी हैं। ऐसे में इस डायरी की मदद से अब पुलिस जल्द ही शाइस्ता, साबिर और गुड्डू मुस्लिम तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाएगी क्योंकि अतीक के सभी मददगारों का जिक्र इस डायरी में मौजूद है और ये डायरी अब पहुंच चुकी है यूपी पुलिस के हाथ में। उधर पुलिस ने शाइस्ता के करीबियों की लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें प्रयागराज का सुधांशु त्रिपाठी और बल्ली पंडित, मोहम्मद नफीस, इरशाद और सोनू, अरशद, सुल्तान अली, बांदा का जफर अहमद खान, डॉक्टर शैला, असाद, नूर, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू, आवेज अहमद, अशरफ का साला सद्दाम, कासिम, संरक्षण देने वालों में मेरठ की रहने वाली ननद आयशा नूरी, मोहम्मद अनस, आसिफ उर्फ मल्ली शामिल हैं। पुलिस ने अब इनके जरिए शाइस्ता के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। इनमें से कई लोग पुलिस के संपर्क में हैं, कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं लेकिन जिस तरह से योगी की पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है किसी का भी बचना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।